गोरखपुर में यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा 47 केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में परीक्षा देकर बाहर निकल रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर अच्छा आया था लेकिन मैथ थोड़ा कठिन था। अभ्यर्थियों ने बताया कि इसमें सभी सब्जेक्ट से सवाल आए हुए थे, बस साइंस से नहीं था और परीक्षा केंद्र पर अच्छी व्यवस्था थी, उम्मीद है कि पास हो जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने कहा, लेंदी था, समय की कमी थी। क्वेश्चन ये हिंदी से आया था, हिस्ट्री से आया था और रीजनिंग से। सबसे ज्यादा तब तो रीजनिंग था। इससे पहले कभी एग्जाम दिया है? नहीं, इससे पहले नहीं दिए। क्या लगता है आज के मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो गए थे? कहाँ का है? गोरखपुर, विवेक अग्रहरी। पेपर तो अच्छा था लेकिन बहुत टाइम टेकिंग लगा, रीजनिंग ज़्यादा टाइम ले लिया मेरा। तब सबसे ज़्यादा क्या था? तब नहीं था, रीजनिंग बस मेरा टाइम टेकिंग हो गया बहुत, उसमें लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन लिख दिए थे, टाइम टेकिंग हो गया था। क्या लगता है आपको बढ़ेगा? अब देखिए कट ऑफ कितनी जाती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सरिता है। पेपर अच्छा रहा। क्वेश्चन किस तरह का? ये क्वेश्चन तो थोड़ा इजी भी था, थोड़ा कठिन भी था क्वेश्चन, लेकिन सबसे ज्यादा टफ इसमें मैथ था। इससे पहले कभी आपने दिया? हाँ, इससे पहले भी दिए हैं। आज देकर क्या लग रहा है? अच्छा अनुभव था। क्या नाम आपका? अमरजीत यादव। कहाँ का है? कसरवल सहजनवा गोरखपुर। बहुत अच्छा पेपर रहा, काफी इजी क्वेश्चन आया था जी। मैंने पूरा 150 क्वेश्चन था पूरा ही किया है लगभग, मतलब इसमें से 100 क्वेश्चन अच्छा ही जाएगा जी। थैंक यू। मतलब अपने तरफ से तो पूरा कोशिश किया है, उम्मीद है कि निकल जाएगा। गोरखपुर।